हेलो मित्रों, आ गए तुम लोग। नहीं स्वागत है तुम सभी का डार्क टिप्स नामक यूट्यूब चैनल में। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे थे। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूएमपी के खतरनाक लेवल हेटर ट्रिक के बारे में, जो आउट ऑफ इंडियन सर्वर के प्लेयर्स, मतलब ब्राजील सर्वर या फिर कह लो मीना सर्वर के प्लेयर बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, और लिटरली इस ट्रिक को यूज करने के बाद तुम लोग एकदम हैकर बन जाओगे। तुम लोग किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो अपने गेम प्ले के माध्यम से। जी हाँ, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो अपने गेम प्ले के माध्यम से। चलो नूब, हम दोनों खेलते हैं। अरे हाँ जरूर। अरे नहीं देखो, हम दोनों चलो डुओ खेलते हैं। अरे हाँ क्यों नहीं। हे भाई, क्या किधर, किससे बात कर रहा है? साला दिन दहाड़े तू तो सपने देखने लग गया। हाँ तो गाइस, मतलब ये ट्रिक ही इतना खतरनाक है कि तुमको सपने देखने पर मजबूर कर देता है। मतलब तुम सभी को इस ट्रिक के माध्यम से इम्प्रेस कर सकते हो। तुम लोग इतना रेड मारोगे कि सब लोग तुमको हैकर बोलेंगे। मतलब तुम्हारे गेम प्ले का लेवल ही पूरा बदलने वाला है कुछ इस प्रकार से। देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम लोगों को जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, इसको अगर तुम लोग सही से फॉलो कर लेते हो तो तुम लोग अपोनेंट को किसी भी कंडीशन में हेडशॉट मार सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी सिचुएशन में हेडशॉट मार सकते हो। शॉर्ट रेंज, मिड रेंज, लॉन्ग रेंज, हर एक परिस्थिति में तुम लोग ओनली रेड नंबर मार सकते हो। अच्छा, तो चलो गाइस, ज्यादा समय व्यर्थ किए बिना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जो जो बंदे इस चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज चैनल की सदस्यता ले लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार के बहुत ओपी ओपी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में मेरे सेकंड चैनल पर बहुत ही ओपी वीडियोस आ गया है, उसको भी तुम लोग चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलो भाई, तो गाइस सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं एक बग के बारे में, जिसको कहते हैं स्कोप स्लाइड हेडशॉट। मतलब यूएमपी से तुम लोग देखना वाइड है, वैसे स्कोप करता स्लाइड करके ओनली रेड नंबर मार देता। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग कैसे कर सकते हो? इसको करना बड़ा ही सिंपल होता है। सिंपल सा तुम लोग एनिमी स्पॉट करना होता है, फिर जॉयस्टिक का यूज करते हुए तुम लोगों को स्कोप करना है। एनिमी के ऊपर स्कोप नहीं करना, ठीक है, स्कोप करना है थोड़ा एनिमी से दूर, ताकि डिफॉल्ट एम एनिमी के चेस्ट पर ना जाए। ठीक है, तो थोड़ा मैं इधर देखो साइड में स्कोप करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस एक चीज जरूर ध्यान देना, स्कोप तुम लोगों को हमेशा हेड के सेंटर में करना है। मतलब जहां पर हेड है एनिमी का, उसी सेंटर में स्कोप करना है तुम लोगों। इस ट्रिक का गाइस ये चीज मेन है। फिर जैसे ही स्कोप हो जाता है, फिर इंस्टेंटली स्कोप होते ही इंस्टेंटली तुम लोगों को दो तीन शॉट मिस करना है, मतलब दो तीन बार फायर करना है, फिर सिंपल सा एनिमी के हेड की ओर स्कोप को स्लाइड कर देना है। फिर देखना ऑटोमेटिकली सारे एमओ चिपक जाएगा एनिमी के हेड में। अब देखो यहाँ पर एक चीज बता दो, ये ट्रिक ओनली वर्क करता खड़े एनिमी के ऊपर। अगर एनिमी इधर उधर हिल डुल रहा है, ठीक है, मतलब एनिमी अगर लहराता है, तो तुम लोग हेडशॉट नहीं मार सकते। लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस, यूज जॉयस्टिक ड्यूरिंग फायर। अब देखो अभी के टाइम पे तुम लोग किसी भी लेजेंड का गेम प्ले देखते हो, लाइक स्मूथ, फिर स्टेकी, एक्साइलाइट, वो लोग देखना मारते हुए जॉयस्टिक का उपयोग करता है। अब इसका एडवांटेज बड़ा ही सिंपल है, डीवी कैरेक्टर वो लोग यूज करता है, जिससे एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाता है जॉयस्टिक यूज करते हुए। साथ में गाइस, अगर एनिमी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और तुम अगर उसी डायरेक्शन में जॉयस्टिक खींच सकते हो, तो इससे भी गाइस एक्यूरेसी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो इसको करना बड़ा ही सिंपल होता है, तुम लोग एनिमी स्पॉट करना है तो सिंपल सा उसी डायरेक्शन में तुम लोगों को जॉयस्टिक भी खींचना है और सिंपल सा ड्रैग अप कर देना है। देखना ओनली रेड नंबर तुम लोगों को मिल जाएगा। तो ये ट्रिक भी काफी अच्छा ट्रिक है, काफी अच्छे प्लेयर्स भी यूज करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस रोटेशन ड्रैग। जी बिल्कुल, वन शॉट में जितना रोटेशन ड्रैग का रोल होता है, यूएमपी में भी गाइस रोटेशन ड्रैग का उतना ही रोल होता है। देखो तुम लोगों को पता है रोटेशन ड्रैग एक ऐसा ड्रैग टेक्निक है जिससे तुम लोग इम्पॉसिबल हेडशॉट कनेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर एनिमी किसी भी कंडीशन में रहे, एकदम एनिमी शॉर्ट रेंज में रहेगा, तो उस कंडीशन में भी गाइस तुम लोग वन टैप मार सकते हो एनिमी को। सो यही चीज फॉलो होता है यूएमपी में भी। अगर तुम लोग यूएमपी लेते हो और अगर रोटेशन ड्रैग यूज करते हो शॉर्ट रेंज में, तो तुम लोग ओनली रेड नंबर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी तुम लोग देख सकते हो, कैसे मैं रोटेशन ड्रैग यूज करता हूँ शॉर्ट रेंज में, और देखो मैं ओनली रेड नंबर कनेक्ट कर पाता हूँ यहाँ पर। सो यस गाइस, जब भी शॉर्ट रेंज में फाइट होगा, तुम लोग हमेशा रोटेशन ड्रैग यूज करना। और हाँ गाइस, बहुत ही जल्द रोटेशन ड्रैग के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ओपी वीडियो बनाऊंगा, जिससे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो मिस मत करना, कुछ ही दिनों में आने वाला है। बेल आइकन दबा लेना चैनल का। नेक्स्ट ट्रिक है गाइस संवेदनशीलता चरित्र संयोजन। संवेदनशीलता तुम लोगों को हमेशा 100 रखना है, मतलब सेंसिटिविटी तुम लोगों को हमेशा 100 ही रखना है। ये मैटर करता है तुम्हारा डिवाइस कैसा है, ठीक है, बट हाँ 99% डिवाइस के लिए तो 100 ही परफेक्ट होता है। और चरित्र संयोजन में गाइस तुम लोग डीवी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, काफी अच्छा एक्यूरेसी इंक्रीज करता है ये, और साथ ही में तुम लोग दशा कैरेक्टर भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और अगर गन के चेहरे की बात करें, यानी कि स्किन की बात करें, तो तुम लोग ये नॉर्मल स्किन यूज कर सकते हो जो सभी के पास, और अगर नहीं है तो विदाउट स्किन भी तुम लोग ओनली रेड मार सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट ट्रिक है गाइस फायर बर्न का पोजीशन। फायर बर्न का पोजीशन तुम लोगों को स्क्रीन के नीचे रखना, ठीक है, मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग जितना होगा उतना नीचे ही रखना, बट नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देना
रोटेशन ट्रैक मारने के लिए, बट कोशिश करना तुम्हारा फायर बटन स्क्रीन के नीचे रहे, ठीक है? ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो हे गाइस, आज के लिए इतना ही, और अगर यूएमपी के बारे में कुछ बग्स जानने हैं जो वाइड हब यूज करता है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और साथ में गाइस, मेरे सेकंड चैनल पर बहुत ही ओपी वाला वीडियो आ गया है, तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टॉप पर लिंक दे दूंगा, तुम लोग क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।